बजाना आया था, पेट टेस्ट पे बाइक को खोलना आया था, मेरा पेट का सीन लग गया, होल्ड कर रहा था, अब पेट टेस्ट को निकालने में 1 घंटा लग गया मेरे को, अब मैं निकाल रहा हूँ, अंदर है पेट टेस्ट, अंदर है जी, अंदर है। गाइस फोन के अंदर पड़ गया पेट टेस्ट और अब वो निकल नहीं रहा, या तो किसी जुगाड़ से निकल जाएगा, दूध वाला बहुत बहुत नहीं बजा ठीक है, चार्ज वाला है तो चार्ज के लिए बोल रहे हैं, और तो फिर अब ये पेचस निकल जाए तो ठीक, वरना मुझे अंदर कूदना पड़ेगा, अंदर कूदूंगा तो मैं वैसे बुखार आ रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, और निकल रहा नहीं है पेचस, कितने जुगाड़ लगे निकल रहा नहीं है, वो पड़ा है अंदर पेच का थोड़ी, अभी इसी वक्त फोन भी अंदर गिर जाता तो भाई दिन बुरे चल रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब बटन बढ़ा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अभी तो मैं एक बार इसको निकालता हूँ, यह तो एक ही ऑप्शन होगा, ये पानी खाली होगा उसके बाद जब थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मेरे से हुआ नहीं, एक ही ऑप्शन है, बहुत खाली होगा, पानी जा रहा है ऊपर, उसके बाद उसके अंदर पूछना पड़ेगा मुझे अंदर तो निकलेगा, जिस वायर को बांधा पाइप के उस वायर को भी अंदर डाल दिया है थोड़ी देर बाद मुझे ही कूदना पड़ेगा अंदर, नहीं गया था तार अंदर नहीं पड़ा, बाकी अभी मुझे कूदना ही पड़ता है अंदर, गाइस मैं देख रहा हूँ अभी पानी खाली होगा उसके बाद ही उसको निकालूंगा, इतना लफड़ा है पानी का नल का, जबकि सब कुछ कनेक्शन किया हुआ है फिर भी इतना दौड़ भाग, उतनी दिक्कत मशक्कत, एक्सरसाइज होती है सुबह सुबह, गर्मियों में इतनी प्यास लगती है, इसलिए मैं इतनी मशक्कत करने के बाद ज़्यादा पौधों को पानी पिला रहा हूँ, और सोच रहा हूँ मेरे ऊपर भी डाल दूँ, पर मैं हो रहा हूँ बीमार, तो इसलिए मैं मेरे ऊपर डाल दिया हूँ, अगर मैं आऊँगा गर्मियों में मोटर लाइट चालू करके पानी चालू करके। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, और कैसे हो, सब अच्छे हो, पर मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मेरी हो रही तबियत बहुत ज़्यादा खराब, अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि यार 2-3 दिन से दिखाया नहीं है, मैं सोच रहा था सही हो जाऊँगा, लेकिन ऐसे ही केमिस्ट से मेडिकल से दवाई ला रहा था, खा रहा था, हो जाऊँगा सही, लेकिन हुआ नहीं, तो आज फाइनली मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट दवाई ला कर कुछ करनी पड़ेगा, डायरेक्ट दवाई क्या है, पैरासीटामोल वगैरह ये लग रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, मैं आज आपको हमारे गाँव का हॉस्पिटल दिखाऊंगा, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर बहुत अच्छे वहाँ के लिए मानते हैं, गाइज मैं आ गया हॉस्पिटल, ये रहा हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल, मैं जाता हूँ अंदर, डॉक्टर साहब मिलते हैं कि नहीं मिलते, चेकअप कहता हूँ, नहीं मिलेंगे तो भी दवाई तो लेके जाऊँगा, कोई कोई दे देगा, और मास्क बहुत जरूरी है अभी इस माहौल में, क्योंकि वापस कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो गाइज आप भी मास्क ज़्यादा पहनिए और ज़्यादा अवेयर रहिए, क्योंकि कोरोना का केस अभी तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, ये हमारा हॉस्पिटल है, आपको दिख रहा होगा, तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जो 20-25-30 साल पुराना हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बेस्ट रहता है, तो गाइज मास्क पहनिए, उस थोड़ी बहुत भी खांसी हो तो हॉस्पिटल जरूर जाएँ, क्योंकि कोविड के केस वापस बढ़ रहे हैं, और आई होप भगवान बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रही हड़ताल, क्योंकि राजस्थान में एक बिल पास हुआ है राइट टू हेल्थ, तो यहाँ पर 2 घंटे की हड़ताल चलेगी, और 2 घंटे की हड़ताल की वजह से मुझे स्लीप मिली नहीं है, डॉक्टर कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पे, सब हड़ताल पर बैठे हैं, सब स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ वापस अभी, क्योंकि 9 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, मैं आऊँगा वापस 11 बजे, मैं 1 घंटे में यहाँ बैठे करूँगा, क्या मिलते हैं वापस आऊँगा, तब आपको गाइस हिम्मत करके हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल था बंद, हड़ताल चल रही है, राइट टू हेल्थ का एक बिल पास हुआ है उसकी वजह से, तो भगवान ही चाहते हैं कि मेरे को दवाई नहीं लगे, भगवान 11 बजे खुलेगा वापस हॉस्पिटल, 2 घंटे की स्ट्राइक है, 9 बज रहे हैं, फिर जाऊँगा लेके आऊँगा दवाई, या फिर अब कल ही जाऊँगा, कल स्ट्राइक नहीं हुई तो घर में चल रहे हैं, गेहूँ की साफ सफाई और डे 2 गेहूँ की सफाई, और इधर चल रहा है गाइस हॉस्पिटल आया हूँ वापस, भीड़ इतनी पड़ रही थी कि कड़े कड़े 2-3 बीमारी मेरे को और लग गई, इतने सारे लोगों के बीच में कम से कम लाइन थी 50-60 लोगों की, और खून निकाल दिया मेरे हाथ से इतना सारा, तो एक थे मिलने वाले तो उनका लग गया, काम हो गया उनसे, बाकी वो टाइम लगता, तो गाइस मैं घर जा रहा हूँ, ये दवाई ले ली मैंने, मिलते हैं घर जाके, एक इंजेक्शन भी दिखाया यार, गाइस ढेर सारी दवाई लेके आया हूँ, अब इनको मैं एक भी रखने वाला नहीं, सारी खाने वाला हूँ, और खून निकाल दिया मेरा यहाँ से, एक बोतल भर के 5 तरह की चाचे की इंजेक्शन भी दिया मुझे, गाइस हॉस्पिटल जाके आया, और जैसे ही घर आया मैं सोचा शांति से बैठता हूँ, लेकिन तभी से पार्सल वाला आ गया, तो वापस पार्सल वाले भैया को घर पर मिल नहीं रहा था, तो मुझे जाना पड़ा रोड पे, वापस धूप में खाना खाया था, दवाई ली थी, और वापस मैं सोचा थोड़ा रेस्ट करूँगा, लेकिन दवाई पार्सल वाले भैया आ गए, तो अब उनको मैं वापस थोड़ा बहुत हमें भी कर लेना चाहिए उनके लिए, थोड़ा बहुत चला जाना चाहिए ताकि वो परेशान नहीं हो, वो भी दूर से आते हैं, इसलिए मैं लेके आ गया पार्सल, अब ये पार्सल एक्चुअली दवाई हैं, टेबलेट्स हैं, कुछ मेडिसिन है, तो मैंने मंगवाई थी, तो मेरे नहीं है, मम्मी के हैं, तो गाइस आज पूरा दिन हॉस्पिटल और दवाइयों में निकल गया, क्योंकि सुबह गया मैं हॉस्पिटल, मेरा निकाल दिया ब्लड बहुत सारा, और वहाँ से दवाई लेके आया, और घर आया वापस दवाई आ गई, क्योंकि मम्मी की दवाई मंगाई थी, तो दवाई थोड़ा दिन चेक कर रहे हैं, और पूरे बॉक्स के अंदर से दिखे थी सारी सारी दवाई, और बहुत सारी दवाई निकल थी, तो वापस उस बॉक्स के अंदर पे करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, मैंने पहले बोला था ऊपर जाके खाली करना, पर यहाँ पे दिख रही है इन्होंने, तो होगा तो इनसे कुछ है नहीं, फिर भी आपको देखना, वो डालेंगे बट घुसेगी नहीं उसके अंदर, तो गाइस ये होता है जब अपन कोई बोलता है और उसकी बात नहीं मानते हैं, तो दोस्तों
आज कई दिनों बाद मैं वापस चाय बना रहा हूँ, कुछ दिन में बाहर कहा कर रहा था इसलिए टाइम कभी चाय बनाने का मौका मिला, आज वापस चाय बना रहा हूँ। चाय बन रही है, दीदी भी सुबह से कुछ काम कर रहे थे तो मैं उठा भी तो मुझे जब चाय बना लेता हूँ। एक बात तो है यार, कहीं आप बाहर ट्रेवल करो तो बिजी रहते हो, घर पर रहते हो तो बोल रहे थे, जब आपके पास कुछ काम नहीं होता है तो यही है सर चाय पीते हैं। गाइस मैं ऊपर आया हूँ और ऊपर बना है हलवा, मैं हलवा खा रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ अभी, तो देखा है कि बना पड़ा हुआ है, बना बना के तैयार रखा हुआ है ये रहा हलवा। और अब मैं चले जाता हूँ, क्योंकि देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा है, इतना तो लूँगा नहीं क्योंकि पहले मेरा गला खराब हो रहा है, तो घी बहुत ज़्यादा डला हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा ले लेता हूँ ले लिया। और अब मैं आगे लेके जाता हूँ, मस्त बैठ के आराम से खा लेता हूँ। गाइस दिन की हो रही एंडिंग और अब लोग को करते हैं यही बैंड। उससे पहले मेरे घर में घुस गया शेर, सही भाई लाइन घुस गया, क्योंकि जैसे मैंने डोर खोला मेरे रूम का अंदर लाइन बैठा हुआ था, सीरियसली गाइस लाइन बैठा हुआ था, अंधेरे में दिख नहीं रहा हूँ पर मुझे लोइन दिख गया था अंधेरे में, सीरियसली सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, लाइन बैठा हुआ था और मैंने कैसे अपनी जान बचाई उससे, और लोइन में दिखा था आपको बहुत ही खतरनाक वाला, ये रहा लोइन। एक्चुअली गाइस ये शाहरुख का लोइन है, शाहरुख चला गया आप, और ये हम लाए थे सावरा जी से उसके लिए, तो मैं उस रूम में आज बहुत दिन बाद सोया था, तो वहाँ पे मुझे अचानक से लोन दिखा, तो मुझे आपके साथ थोड़ा सा बजा कर लूँ। तो गाइस वीडियो कर लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल के व्लॉग में, तो आपको करना है ये कि वीडियो लाइक, वीडियो मुझे कमेंट शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यानी कल के व्लॉग में। लव यू गाइस, बाय बाय।